ओम शांति नमस्कार हर व्यक्ति सुख में जीवन की कल्पना करता है सुख में संसार की कल्पना करता है ये कल्पना कैसे साकार रूप ले सकती है यही हम आज की कविता के माध्यम से जानेंगे तो आइए आज की कविता सुनते हैं संपूर्ण सुखी दुनिया समय आया विश्ववासियों समय आया विश्ववासियों हम एक सूत्र में आए जिस प्रकार एक माला में सभी मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं इसी प्रकार हम इस विश्व के वासी हैं हमें भी एक ही सूत्र में पिरोना होगा स्वयं को ताकि हम प्यार से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सके यही बात इन पंक्तियों में समय आया विश्ववासियों हम एक सूत्र में आए एक दूजे का साथ देकर सहयोग श्रृंखला बनाए एक दूजे का साथ देकर सहयोग श्रृंखला बनाए भेदभाव छोड़कर संसार को एक परिवार बनाए भेदभाव छोड़कर संसार को एक परिवार बनाए एक ईश्वर की छत्र छाया तले सबको लेकर आए एक ईश्वर की छत्र छाया तले सबको लेकर आए मुरझाए हुए मुखड़ों को हम मुरझाए हुए मुखड़ों को हम खुशियों से चमकाए मुरझाए हुए मुखड़ों को हम खुशियों से चमकाए नवजीवन सबको देकर भोर सुनहरी लेकर आए नव जीवन सबको देकर भोर सुनहरी लेकर आए किसी, किसी और की प्रतीक्षा करने में समय ना गवाएं किसी और की प्रतीक्षा करने में समय ना गवाएं अपना परिवर्तन करके हम संसार बदलते जाएं अपना परिवर्तन करके हम संसार बदलते जाएं यहां अपना परिवर्तन क्या करना है अपना परिवर्तन यही करना है कि हमारे अंदर जो अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं जो विकार हैं उनको मिटाकर अपने अंदर सद्गुणों को भरना है अपने अंदर दिव्य गुणों को जागृत करना है ताकि हमारे माध्यम से हमारे व्यवहार से अन्य लोगों को भी उन गुणों को जागृत करने की प्रेरणा मिले और धीरे धीरे ये संसार एक सुखी संसार बन जाए यही पंक्तियां हम फिर से सुनते हैं किसी और की प्रतीक्षा करने में समय ना गवाएं किसी और की प्रतीक्षा करने में समय ना गवाएं अपना परिवर्तन करके हम संसार बदलते जाएं अपना परिवर्तन करके हम संसार बदलते जाएं नफरत हिंसा और घृणा की आज सारा संसार नफरत और हिंसा इनकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है हमें इन जंजीरों को तोड़ना होगा यही बात इन पंक्तियों में नफरत हिंसा और घृणा की जंजीरें तोड़ते जाएं नफरत हिंसा और घृणा की जंजीरें तोड़ते जाएं ईश्वरीय शक्ति से हम सारे संसार को स्वर्ग बनाएं ईश्वरीय शक्ति से हम सारे संसार को स्वर्ग बनाएं प्यार बांटते जाए सबको हम प्यार ही पाते जाए प्यार बांटते जाए सबको हम प्यार ही पाते जाए प्यार से खाली हुए संसार में प्यार ही भरते जाए प्यार से खाली हुए संसार में प्यार ही भरते जाए सबके लिए अपने दिल में सबके लिए अपने दिल में हम अपनापन जगाएं सबके लिए अपने दिल में हम अपनापन जगाएं हम सबके और सब अपने ये खुद को समझाएं हम सबके और सब अपने ये खुद को समझाएं कविता की अंतिम पंक्तियां हैं आओ विश्व परिवर्तन के लिए आओ विश्व परिवर्तन के लिए एकजुट हो जाएं आओ विश्व परिवर्तन के लिए एकजुट हो जाएं संपूर्ण सुखी दुनिया का स्वप्न साकार कर जाए संपूर्ण सुखी दुनिया का स्वप्न साकार कर जाए दोस्तों इस कविता के माध्यम से यही कहने का प्रयास किया गया है कि हमें इस दुनिया को संपूर्ण सुखी बनाना है तो हमें अपने विचारों को एक दूसरे से मिलाना होगा अपने अंदर दिव्य गुणों को जागृत करना होगा नफरत हिंसा और घृणा की जंजीरों को तोड़ना होगा तभी हम इस दुनिया को एक परिवार बना सकते हैं सुखमय दुनिया बना सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार ओम शांति